गाइज वेलकम टू करियर मीडिया वंस अगेन। माय नेम इज गुलशन झा और आज हम बात करने वाले हैं नीट पीजी 2020 काउंसलिंग के ऊपर में। पीजी एमडीएमएस और एमडीएस कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए नीट पीजी 2020 की काउंसलिंग कब से स्टार्ट होने वाली है, कितने लेवल्स पे कंडक्ट कराई जाती है, उन लेवल्स में क्या क्या डिफरेंसेज हैं, एमसीसी काउंसलिंग किसे कहते हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस, डीम्ड यूनिवर्सिटीज, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, ईएसआईसी, एएफएमसी कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए आपको कहाँ कौन सी काउंसलिंग को अटेंड करनी पड़ेगी, एमसीसी अपने काउंसलिंग को कितने राउंड्स में कंडक्ट कराती है, उन राउंड्स में क्या क्या डिफरेंसेस हैं और उन डिफरेंसेस का असर स्टूडेंट्स पे क्या पड़ सकता है, इन सभी बातों को जानेंगे आज की इस वीडियो में। साथ साथ में हम ये भी देखेंगे कि एमसीसी काउंसलिंग करने के दौरान, रजिस्ट्रेशन करने के दौरान आपको किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी और वो चीजें आपको कहाँ मिलेगी। साथ में रिजल्ट आने के बाद यदि आपको सीट अलॉट होती है तो कॉलेज में ज्वाइन करने के टाइम, एडमिशन फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करने के टाइम आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स को लेकर के जाना है, जिनके बिना आपका एडमिशन अधूरा रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आगे बढ़ने से पहले एक सिंपल सा रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने करियर मीडिया के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर लें, जिससे कि नीट पीजी 2020 और एमडीएस से जुड़ी जो भी अपडेट्स हो, काउंसलिंग टिप्स हो, सजेशंस हो, इंस्ट्रक्शंस हो, वो सभी आप तक टाइम टू टाइम पहुंच सके। बात कर रहे थे नीट पीजी 2020 एमडीएमएस और एमडीएस की काउंसलिंग के ऊपर में। तो नीट पीजी 2020 की जो काउंसलिंग है उसे दो लेवल्स पे कंडक्ट कराया जाता है, एक है सेंट्रल लेवल और दूसरा है स्टेट लेवल। सेंट्रल लेवल काउंसलिंग को एमसीसी कंडक्ट कराती है और स्टेट लेवल काउंसलिंग को अलग अलग स्टेट्स की जो अथॉरिटीज हैं वो कंडक्ट कराती हैं। तो आज हम एमसीसी जो सेंट्रल लेवल काउंसलिंग है उसी के ऊपर बात करने वाले हैं। एमसीसी काउंसलिंग वो काउंसलिंग है जो स्टेट से पहले स्टार्ट होती है, स्टेट की काउंसलिंग एमसीसी के बाद स्टार्ट होती है और साथ साथ में फिर पैरेलली दोनों आगे बढ़ते हैं। तो जो पहली काउंसलिंग स्टार्ट होगी वो होगी एमसीसी की काउंसलिंग। अब एमसीसी की काउंसलिंग अटेंड करना क्यों जरूरी है? यदि आपको ऑल इंडिया कोटा की 50% सीटों पे एडमिशन लेना है, मतलब इंडिया में जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उन गवर्नमेंट कॉलेजेस की 50% सीटें ऑल इंडिया कोटा की 50% सीटों पे आती है, तो यदि आपको गवर्नमेंट सीटों पर एडमिशन लेना है तो आपको एमसीसी का काउंसलिंग अटेंड करना पड़ेगा। यदि आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की सीटों पर एडमिशन लेना है तो भी आपको एमसीसी की काउंसलिंग अटेंड करना पड़ेगा। यदि आपको डीम्ड यूनिवर्सिटीज की सीटों पर एडमिशन लेनी है तब भी आपको एमसीसी की ही काउंसलिंग अटेंड करनी पड़ेगी। यदि आपको एएफएमसी आर्म पोस्ट मेडिकल कॉलेज पुणे में एडमिशन लेना है तब भी आपको एमसीसी की ही काउंसलिंग अटेंड करनी पड़ेगी। और यदि आपको ईएसआईसी की सीटों पर एडमिशन लेना है तब भी आपको एमसीसी की ही काउंसलिंग अटेंड करनी पड़ेगी। तो कुल मिलाकर के अगर बात करें तो एमसीसी वो अथॉरिटी है, एमसीसी काउंसलिंग ही वो काउंसलिंग है जो ऑल इंडिया कोटा की 50% सीटों की अलॉटमेंट करती है, डीम्ड यूनिवर्सिटीज की 100% सीटों की अलॉटमेंट करती है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की 100% सीटों की अलॉटमेंट करती है, एएफएमसी कॉलेजेस की सीटों की अलॉटमेंट करती है, एएफएमसी पुणे कॉलेज की जो आर्म फोर्स मेडिकल सर्विसेज के अंदर जो सीटें आती है उन सीटों की अलॉटमेंट करती है, और साथ में ईएसआईसी की जो सीटें हैं उनकी भी अलॉटमेंट एमसीसी ही करती है। तो इन सभी में से अगर आपको किसी में भी एडमिशन चाहिए तो आपको एमसीसी काउंसलिंग अटेंड करना बहुत ज्यादा जरूरी है, सबसे ज्यादा जरूरी है। तो एमसीसी काउंसलिंग, अब जब एमसीसी काउंसलिंग की बात करते हैं तो हमें तो ये मालूम है कि एमसीसी की काउंसलिंग स्टेट से पहले स्टार्ट होती है और सबसे पहले एमसीसी की ही काउंसलिंग स्टार्ट होती है। तो एमसीसी की काउंसलिंग की अगर बात करें तो एमसीसी की जो काउंसलिंग कंडक्ट होती है वो टोटल 4 राउंड्स में कंडक्ट कराई जाती है। सीटों की अलॉटमेंट एमसीसी टोटल 4 राउंड्स में करती है, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 जिसे मॉपअप राउंड काउंसलिंग कहते हैं और राउंड 4 जिसे स्ट्रे वैकेंसी राउंड कहते हैं। जब हम राउंड 1 काउंसलिंग की बात करते हैं तो राउंड वन काउंसलिंग की जो स्केड्यूल है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, वो मोस्ट प्रोबेबली 3rd week of March 2020 में रिलीज कर दी जाएगी। 3rd week of March 2020 में एमसीसी की राउंड 1 काउंसलिंग की काउंसलिंग फॉर्म, जो काउंसलिंग स्केड्यूल है, उस स्केड्यूल को रिलीज कर दिया जाएगा। और उस काउंसलिंग को अटेंड करने के लिए, उस काउंसलिंग में अपीयर होने के लिए जो सबसे पहला स्टेप है वो है रजिस्ट्रेशन। तो उस काउंसलिंग को अटेंड करने के लिए आपको सबसे पहले आपको एमसीसी के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। उस रजिस्ट्रेशन की डेट्स भी उन्हीं काउंसलिंग स्केड्यूल में रिलीज की जाएगी और वो काउंसलिंग स्केड्यूल
थर्ड वीक ऑफ मार्च 2020 में रिलीज कर दी जाएगी। तो सबसे पहले आपको जब भी आपको एमसीसी की काउंसलिंग अटेंड करनी है तो आपको एमसीसी की राउंड वन काउंसलिंग के लिए पहले अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। तो ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूं कि एमसीसी काउंसलिंग को कैसे आप अटेंड कर सकते हो, प्रोसीजर क्या है। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा कि एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट www.mcc.nic.in पर जाना होगा, क्योंकि रजिस्ट्रेशन जो एमसीसी की काउंसलिंग होती है वो कंप्लीटली ऑनलाइन होती है। रजिस्ट्रेशन से लेकर के सीट अलॉटमेंट रिजल्ट तक कंप्लीटली ऑनलाइन होती है। आपको ऑनलाइन ही पता चल जाएगा कि आपको कौन सी सीट अलॉट हुई है अगर आप एमसीसी की काउंसलिंग अटेंड कर रहे हो। तो फिर एमसीसी की काउंसलिंग जैसा मैंने बताया कि ऑनलाइन होती है, तो आपको एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट www.mcc.nic.in पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन कराने की डेट थर्ड वीक ऑफ मार्च में किसी दिन की आएगी, क्योंकि अभी तक स्केड्यूल रिलीज नहीं किया गया है। स्केड्यूल रिलीज किया जाएगा तो वो मोस्ट प्रोबेबली थर्ड वीक ऑफ मार्च में रजिस्ट्रेशन की डेट आएगी। तो उस डेट में जो फर्स्ट डेट होगी और जो लास्ट डेट होगी रजिस्ट्रेशन की, लास्ट डेट से पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना है। तो फर्स्ट स्टेप है रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन कराने के दौरान आपको कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी। वो चीजें क्या हो सकती है, रोल नंबर, कैंडिडेट नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ जैसे डिटेल्स, आपका मोबाइल नंबर और आपका ईमेल आईडी। तो इन चीजों की जरूरत आपको पड़ेगी। ये चीजें आपको एक्टिव मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को छोड़ के सारी चीजें आपको आपके एडमिट कार्ड में मिल जाएगी। जो भी चीजें वहां पे मांगी जाएंगी वो सारी चीजें आपको एडमिट कार्ड में मिल जाएंगी। ये सारी डिटेल्स, सिर्फ एक्टिव मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपको अपना फिल करना है। और ये दोनों जो फील्ड होंगे, ईमेल आईडी और आपका मोबाइल नंबर, वो दोनों आपको बहुत ही ध्यान से भरना है। एक तो गलत मोबाइल नंबर बिल्कुल नहीं भरना है, उस बात को आप ध्यान में रखें, एकदम सही मोबाइल नंबर भरना है। और वो मोबाइल नंबर भरना है जो 24/7 एक्टिव हो, उस मोबाइल नंबर को भरना है। और साथ साथ में ईमेल आईडी भी आपको ध्यान से भरना है। ईमेल आईडी भी आपको, ईमेल आईडी में भी कोई किसी प्रकार की स्पेलिंग मिस्टेक्स या कुछ चीजें नहीं करनी है, क्योंकि ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर ही वो दो फील्ड्स होंगे, वो दोनों चीजें होंगे जिसपे आपको नोटिफिकेशंस मिलेंगे। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। अब जब रजिस्ट्रेशन हो गया, तो रजिस्ट्रेशन होने के बाद जो दूसरी स्टेप है काउंसलिंग का, वो है चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग। चॉइस फिलिंग क्या होती है, आप जिस भी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना चाहते हो और जिस भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो, उनकी प्रायोरिटी वाइज अरेंजमेंट को चॉइस फिलिंग कहते हैं। प्रायोरिटी वाइज अरेंजमेंट का क्या मतलब है कि जिस इंस्टीट्यूट में आपका सबसे अधिक मन है एडमिशन लेने का, उसे आप ऊपर रखोगे। उसके बाद जिसमें सबसे अधिक मन है एडमिशन लेने का, उसको उसके नीचे रखोगे। उसके बाद जिसमें सबसे अधिक मन है एडमिशन लेने का, उसके बाद उसको रखोगे। और इस तरीके से प्रायोरिटी वाइज ऊपर से लेकर के नीचे तक आपको चॉइसेस को फिल करना है, इंस्टीट्यूट को फिल करना है, और साथ में आपको जो सब्जेक्ट, आप जो कोर्स चाहते हो, उन कोर्सेस को भी आपको सिलेक्ट करना है। जिस भी कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हो, उन कोर्सेस को भी आपको प्रायोरिटी वाइज अरेंज करना है। और एक बात का ध्यान रखें कि जब आप चॉइसेस को फिल करते हो, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप 10 चॉइसेस भर सकते हो, 10 इंस्टीट्यूट्स को ही सिर्फ सिलेक्ट कर सकते हो, या 20 इंस्टीट्यूट्स को ही आप सिर्फ सिलेक्ट कर सकते हो, ऐसा नहीं है। आपको जितने मन करे, जितना मन करे, उतने इंस्टीट्यूट्स को आप चॉइस फिलिंग में भर सकते हो। अब जब आप चॉइस फिलिंग को भर लेते हो, तो एक बात का ध्यान रखें, चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग में दो स्टेप है। एक चॉइस फिलिंग जब आप चॉइसेस को फिल करते हो, और एक लॉकिंग जब आप लॉक करते हो। तो लॉक करने से पहले आपको चॉइसेस को अच्छे से रिव्यू कर लेना है, देख लेना है कि किसी तरीके की गलती तो आपसे नहीं हुई है। अगर कुछ गलतियां हुई है, जैसे कि किसी कॉलेज को आप ऊपर रखना चाहते हो या किसी कॉलेज को आप नीचे रखना चाहते हो, किसी ब्रांच को आप ऊपर रखना चाहते हो, किसी ब्रांच को आप नीचे रखना चाहते हो, तो उस तरीके से आप मॉडिफाई कर सकते हो। मगर चॉइस लॉकिंग करने से पहले, लॉक करने से पहले, अगर एक बार आपने लॉक कर दिया, लॉकिंग कर दी, तो फिर आप इस ये जो चॉइसेस आपने फिल किए, इसको आप मॉडिफाई नहीं कर पाओगे। तो लॉकिंग का यही मतलब है कि जिस जो चॉइसेस आपने फिल किए हैं, जिस ऑर्डर में फिल किए हैं, उसी ऑर्डर में वो चॉइसेस लॉक हो जाते हैं। तो लॉक करने से पहले आपको चॉइसेस को अच्छे से देख लेना है कि आपने सही ऑर्डर में चॉइसेस को फिल किया है या नहीं किया है। और जब आप सेटिस्फाई हो जाते हैं कि नहीं, ये जो प्रायोरिटी ऑर्डर है, मेरे चॉइसेस की जो ऑर्डर है वो एकदम एग्जैक्ट है, सही है, जैसा मैं चाहता हूं या चाहती हूं उसी अकॉर्डिंग है, तभी आप चॉइसेस को लॉक करें। ये हुई चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग।
अब चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग की जब हम बात करते हैं तो ये भी आपका सेकेंड वीक ऑफ मार्च में जब आपका स्केड्यूल आएगा तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग आप कर सकते हैं। अब आते हैं सीट अलॉटमेंट, जो कि इसका थर्ड स्टेप है, प्रोसीजर का थर्ड स्टेप है सीट अलॉटमेंट। सीट अलॉटमेंट में क्या होता है कि जो सीट अलॉटमेंट, सीट की अलोकेशन होती है स्टूडेंट्स को रैंक वाइज, मेरिट वाइज। मेरिट वाइज जो पहले जिनका रैंक वन है उनका सबसे पहले सीट अलॉटमेंट होगा, फिर रैंक टू, फिर रैंक थ्री, फिर रैंक फाइव। जैसे मान लेते फॉर एग्जांपल आपका रैंक 10,000 है, अगर आपका रैंक 10,000 है तो वन से लेकर के 9,999 तक की सीट अलॉटमेंट पहले होगी, फिर आपका नंबर आएगा। फिर जब आपका नंबर आएगा तो उनमें से जो सीटें बच गई है, जो सीटें 9,999 स्टूडेंट्स जिनका अलॉटमेंट आपसे पहले हुआ उनमें जो सीटें नहीं ली गई है, जो सीटें बची हुई है उसी में से आपको सीट मिलेगी। तो इस चीज को कहते हैं कि सीट अलॉटमेंट। सीट अलॉटमेंट का कुल मिला के मतलब यही है कि जब आपका नंबर आएगा तब जो सीटें बची हुई है उन सीटों में से आपको एक सीट अलॉट की जाएगी। ये सीट अलॉटमेंट हुआ और उसका रिजल्ट उसके बाद आपको भेजा जाएगा। रिजल्ट जो है वो मोस्ट प्रोबेबली लास्ट वीक ऑफ मार्च में राउंड वन काउंसलिंग के लिए, राउंड वन काउंसलिंग का जो रिजल्ट होगा वो सीट अलॉटमेंट के बाद जो रिजल्ट आती है वो रिजल्ट आपको लास्ट वीक ऑफ मार्च में भेज दी जाएगी। आपके पास आपका रिजल्ट होगा। रिजल्ट आने के बाद आपको जिस भी कॉलेज में सीट अलॉट हुई, जो भी सीट अलॉट हुई, जिस भी इंस्टीट्यूट में, जिस भी ब्रांच की सीट अलॉट हुई है उस इंस्टीट्यूट में जाकर के रिपोर्टिंग करनी होती है, और रिपोर्टिंग करने के साथ साथ एडमिशन फॉर्मेलिटीज को कंप्लीट करना होता है, एडमिशन प्रोसीजर्स को कंप्लीट करना होता है। तो जो एडमिशन प्रोसीजर्स को कंप्लीट करने के दौरान जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वो मैं अभी आपको बताऊंगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। ये हुई राउंड वन की बात, ये राउंड वन की बात हुई। अब जब आप राउंड वन में जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, जो आपका पहला स्टेप है, उसमें रजिस्ट्रेशन करने के दौरान आपको रजिस्ट्रेशन फीस भी पे करनी पड़ती है। वो फीस क्या पे करनी पड़ती है वो भी मैं आपको बता देता हूं कि वो किस प्रकार की फीस होती है और कितनी फीस पे करनी होती है। तो जब हम रजिस्ट्रेशन अमाउंट की बात करते हैं तो यदि आप ऑल इंडिया कोटा, क्या बताया मैंने कि एमसीसी में ऑल इंडिया कोटा, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, डीम्ड यूनिवर्सिटीज, ESIC और जो हाँ ये चीजें जो हैं, इन चीजों के लिए आपको MCC के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराना है। तो अगर इनमें से डीम्ड यूनिवर्सिटीज को के लिए भी आप अपना रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो आपको 2,00,000 रुपए का जो ट्यूशन फीस है वो पे करनी पड़ेगी और 5,000 रुपए का आपको नॉन रिफंडेबल फीस, जिसे एप्लीकेशन फीस कहते हैं, रजिस्ट्रेशन फीस कहते हैं, वो पे करनी होगी। कुल मिला के बात यह है कि रजिस्ट्रेशन के दौरान आपको दो तरह की फीस पे करनी होती है, दो तरीके की फीस पे करनी होती है। फर्स्ट फीस होती है रिफंडेबल फीस और सेकंड फीस होती है नॉन रिफंडेबल फीस। रिफंडेबल फीस क्या होती है कि अगर आपको सीट मिली, अगर आपको सीट नहीं मिली तो वो फीस आपको रिफंड हो जाएगी। और दूसरी क्या होती है नॉन रिफंडेबल फीस। नॉन रिफंडेबल फीस में क्या होता है कि वो आपको सीट मिले या ना मिले वो फीस आपको रिफंड नहीं किया जाएगा, जिसे रजिस्ट्रेशन फीस कहते हैं। अब देखिए, यदि आप ऑल इंडिया कोटा के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, अगर आप ऑल इंडिया कोटा के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए आप अपना रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, तो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 25,000 रुपीज का ट्यूशन फीस पे करना होता है और 1,000 रुपए का रजिस्ट्रेशन फीस पे करना होता है। इसमें 1,000 रुपए जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो नॉन रिफंडेबल है, वो आपको रिफंड नहीं किया जाएगा, चाहे आपको सीट मिले या ना मिले। मगर वो जो 25,000 का आपने ट्यूशन फीस पे किया वो 25,000 रुपीज रिफंडेबल फीस होती है। अगर आपको सीट नहीं मिलती है तो वो आपको रिफंड कर दिया जाएगा, और यदि आपको सीट मिलती है तो वो फीस आपके इंस्टीट्यूट में, आपके ट्यूशन फीस में एडजस्ट हो जाएगी। तो यही वो फीस होती है। तो ये जनरल कैटेगरी के लिए 25,000 और 1,000 का फीस लगता है। उसी तरीके से अगर आप किसी पर्टिकुलर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे कि SC, ST, OBC या PH कैंडिडेट, PWD कैंडिडेट हुए, तो उनके लिए क्या होता है कि उनके लिए 500 रुपीज की नॉन रिफंडेबल फीस लगती है और 10,000 रुपीज का रिफंडेबल ट्यूशन फीस लगता है। तो SC, ST या OBC से अगर आप बिलोंग करते हैं तो 500 रुपीज आपकी रजिस्ट्रेशन अमाउंट रहती है, जो आपकी नॉन रिफंडेबल होती है वो आपको रिफंड नहीं किया जाएगा इन एनी केस। और जो 10,000 रुपीज आप पे कर रहे हो एज अ ट्यूशन फीस, वो आपको अगर सीट नहीं मिलती है तो वो आपको रिफंड कर दिया जाएगा।
उसी प्रकार डीम्ड यूनिवर्सिटी की रजिस्ट्रेशन फीस जो होती है वो महंगी होती है। डीम्ड यूनिवर्सिटीज के लिए आपको 2 लाख रुपए का ट्यूशन फीस पे करना होता है और 5,000 रुपए का नॉन रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन फीस पे करना पड़ता है। अब देखिए इसमें एक बात है, ऑल इंडिया कोटा, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, ESIC, AFMC के जो कॉलेजेस हैं, जो सीटें हैं, उनके लिए आपको अलग अलग रजिस्ट्रेशन कराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। एक ही रजिस्ट्रेशन में ये चारों कवर हो जाएंगे, सिर्फ डीम्ड यूनिवर्सिटीज में कवर नहीं होगा। तो यदि आप डीम्ड यूनिवर्सिटीज को भी कवर करना चाहते हैं तो आपको 2 लाख रुपए की जो ट्यूशन फीस है वो पे करनी पड़ेगी, प्लस 5,000 रुपए का जो नॉन रिफंडेबल फीस है वो आपको पे करनी पड़ेगी। अगर आप 2 लाख और 5,000, मतलब टोटल 2,05,000 रुपए की फीस पे करते हैं तो आप सभी सीटों के लिए MCC काउंसलिंग के अंडर अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो ऑल इंडिया कोटा हो, चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हो, चाहे वो ESIC की सीटें हो, चाहे वो डीम्ड यूनिवर्सिटीज हो, चाहे वो AFMC की सीटें हो, आप सभी इंस्टीट्यूट सभी सीटों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मगर अगर आपने सिर्फ 25,000 प्लस 1,000 26,000 का अमाउंट पे किया है तो उसमें आप डीम्ड यूनिवर्सिटीज के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। बाकी डीम्ड यूनिवर्सिटीज के अलावा जितनी भी सीटें हैं, ऑल इंडिया कोटा की सीटें, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की सीटें, AFMC की सीटें, ESIC की सीटें, उन सभी सीटों के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, आप काउंसलिंग अटेंड कर सकते हो। तो ये बात हो गई रजिस्ट्रेशन की। राउंड वन काउंसलिंग हमने देख लिया, राउंड टू काउंसलिंग, राउंड टू काउंसलिंग मोस्ट प्रोबेबली आपकी फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगी। राउंड टू काउंसलिंग के लिए जो MCC की राउंड टू काउंसलिंग है उसके जो रजिस्ट्रेशन है और जो स्केड्यूल है वो मोस्ट प्रोबेबली फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगी। और इसमें भी राउंड टू काउंसलिंग में भी जो प्रोसीजर वो सेम ही है, रजिस्ट्रेशन करना है सबसे पहले, उसके बाद चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग करनी है, उसके बाद फिर सीट अलॉटमेंट होगी, रिजल्ट आएगा और फिर रिपोर्टिंग करनी है, एडमिशन प्रोसीजर को कंप्लीट करना है। अब राउंड टू और राउंड वन में डिफरेंस क्या है कि यदि आप में से आपने राउंड वन में अपना रजिस्ट्रेशन कराया तो और आपको सीट नहीं मिली तो राउंड टू में आपको फिर से रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। अगर आपने राउंड वन काउंसलिंग में अपना रजिस्ट्रेशन कराया और आपको सीट नहीं मिली, या राउंड टू काउंसलिंग में आपको सीट मिली भी आप उस सीट को छोड़ते हो, राउंड टू काउंसलिंग में अटेंड करना चाहते हो, तो राउंड टू काउंसलिंग को आप अटेंड कर सकते हो, उसमें आपको फिर से रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये पहली चीज। और दूसरी डिफरेंस क्या है कि अगर आप राउंड वन में अगर सीट मिली, राउंड वन में आपने रजिस्ट्रेशन किया, पार्टिसिपेट किया, आपको सीट पसंद नहीं आई, आपने छोड़ दिया या आपको सीट नहीं मिली, तो राउंड टू काउंसलिंग में आपको चॉइस फिलिंग फिर से करनी पड़ेगी, क्योंकि राउंड वन काउंसलिंग में जो आपने चॉइस फिलिंग की थी वो वॉइड एंड नल हो जाएगा, वो चीजें गायब हो जाएंगी, उन चीजों का कोई महत्व नहीं रहेगा। तो आपको राउंड टू काउंसलिंग में आकर के फिर से चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग करनी होगी, वो मैंडेटरी प्रोसेस है, मैंडेटरी स्टेप है। तो ये दो डिफरेंस है राउंड वन और राउंड टू की। और जो एक डिफरेंस है वो राउंड वन और राउंड टू में ये है कि राउंड वन में आपको जो सीट मिली आप चाहो तो उस पर एडमिशन ले सकते हो, चाहो तो अपग्रेडेशन के लिए भी डाल सकते हो, जिसके अपग्रेडेशन में अगर आप डालते हो तो राउंड टू में आकर के आपको चॉइस फिलिंग फिर से करनी होगी और आपके अपग्रेडेशन पे अगर आपको अपग्रेडेशन के लिए आपने अप्लाई किया है तो आपको उससे बेहतर सीट आपको राउंड टू में मिल जाएगी। अगर आपको राउंड टू में उससे बेहतर सीट नहीं मिलती है तो जो सीट आपको राउंड वन में मिली हुई है वही सीट आपके पास रहेगी, रिटेन हो जाएगी, आप उस सीट पे एडमिशन ले सकते हो। तो ये हुई राउंड टू की बात, जिसमें हमने देखा कि प्रोसेस सेम है और डिफरेंसेस जो है वो राउंड वन से थोड़े से अलग है। अब आते हैं मॉप अप राउंड पे। राउंड वन और राउंड टू, ये दो राउंड जैसे ही खत्म हुआ, इस राउंड टू के खत्म होने के बाद ऑल इंडिया कोटा 50% सीटें जो थी वो खत्म हो गई, क्योंकि ऑल इंडिया कोटा 50% सीटों की जो काउंसलिंग होती है वो सिर्फ दो ही राउंड की होती है MCC की, राउंड वन और राउंड टू। मॉपअप राउंड जो, जैसा मैंने बताया कि थर्ड राउंड जिसको मॉपअप राउंड कहते हैं और फोर्थ राउंड जिसे स्ट्रे वैकेंसी राउंड कहते हैं, ये मॉपअप राउंड और स्ट्रे वैकेंसी राउंड ऑल इंडिया कोटा की 50% सीटों पर कंडक्ट नहीं होती है। तो इसमें एक क्वेश्चन उठता है कि अगर ऑल इंडिया कोटा की 50% सीटों में कुछ सीटें बच गई तो उसका क्या होगा? तो वो सीटें जो है वो स्टेट के पास चली जाती है, स्टेट जिस भी स्टेट की जितनी सीटें बची है ऑल इंडिया कोटा 50% सीटों में से, वो सीटें रिस्पेक्टिव स्टेट को वापस कर दी जाती है और उनको फिर स्टेट काउंसलिंग अपने लेवल पे
काउंसलिंग कंडक्ट करके उनको फिल करती है, उनको भरती है, उनकी अलॉटमेंट करती है। तो अब जब हम थर्ड राउंड में आते हैं मॉपअप राउंड में, तो आपके पास ऑल इंडिया कोटा की 50% सीटें नहीं है। अब आपके पास कौन कौन सी सीटें बची, डीम्ड बची, दूसरी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज बची, और जो अगर ESIC की सीटें बची तो वो रही आपके पास। तो मॉपअप राउंड के लिए डीम्ड यूनिवर्सिटीज और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की सीटें रही आपके पास। मॉपअप राउंड क्या होता है, मॉपअप राउंड का प्रोसीजर बिल्कुल सेम है जैसा राउंड वन में था, वैसा ही राउंड टू में। अगर आपने अभी तक अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। उसके बाद फिर आपको चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग करनी होगी, उसके बाद सीट अलॉटमेंट होगी और रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आएगा तो जो भी सीटें आपको मिलती है वो आपको कॉलेज में जाकर के उस पर एडमिशन लेना है, एडमिशन फॉर्मेलिटीज को कंप्लीट करना है। तो ये चीजें मॉपअप राउंड में होती है। अब मॉपअप राउंड राउंड टू से क्या डिफरेंट, कैसे डिफरेंट है। सबसे पहले जैसा मैंने आपको बताया कि ऑल इंडिया कोटा की 50% सीटें मॉपअप राउंड में नहीं रहती है, खत्म हो जाती है राउंड टू में ही, वो सीटें खत्म हो जाती है। तो मॉपअप राउंड में आपके पास ऑल इंडिया कोटा की 50% सीटें नहीं रहेंगी। दूसरी बात क्या है, यदि आपको राउंड टू काउंसलिंग में सीट मिली और उसको आपने छोड़ा, तब आपको वापिस से रजिस्ट्रेशन कराना होगा मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए। राउंड टू में मिली सीट को आप छोड़ नहीं सकते, अगर आप छोड़ते हो तो आपको कुछ कीमत चुकानी पड़ेगी। वो कीमत क्या है, वो कीमत है आपका रजिस्ट्रेशन अमाउंट जो आपने रजिस्ट्रेशन करने के टाइम में पे किया था, जो फीस पे की थी। अगर आपने डीम्ड यूनिवर्सिटीज के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराया है, 2 लाख रुपए ट्यूशन फीस और 5,000 रुपए का जो आपने रजिस्ट्रेशन फीस दिया है, 2,05,000 रुपए का, वो 2,05,000 रुपए आपके जब्त कर लिए जाएंगे। तो ये वो कीमत आपको चुकानी पड़ेगी, आपकी जो रजिस्ट्रेशन अमाउंट, आपने रजिस्ट्रेशन फीस जो जमा की है वो फीस आपको नहीं दी जाएगी अगर राउंड टू में आपको सीट मिलती है और उस सीट को आप छोड़ते हो तो। अब वो कीमत जो है वो आपको क्या चुकानी पड़ेगी वो आप समझ गए। और अब जब आपको सीट, आपको राउंड टू में सीट मिली और आपने उस सीट पर एडमिशन नहीं लिया, तो राउंड थ्री जो मॉपअप राउंड होगा उसमें आपको फिर से रजिस्ट्रेशन कराना होगा और फिर से उतना अमाउंट पे करना पड़ेगा। तो ये एक और डिफरेंस है मॉपअप राउंड में। तो ये चीजें हो गई। और जो फ्रेश न्यू रजिस्ट्रेशन होते हैं, न्यू यूजर्स होते हैं जिन्होंने अभी तक राउंड वन या राउंड टू में अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, वो भी अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ये राउंड थ्री की बात हुई। अब आते हैं स्ट्रे वैकेंसी राउंड। स्ट्रे वैकेंसी राउंड में क्या होता है, इसे इंस्टीट्यूट लेवल काउंसलिंग भी कहा जाता है। स्ट्रे वैकेंसी राउंड में जो भी सीटें बच जाती है उन सीटों में आपको जिस इंस्टीट्यूट, जितनी भी सीटें बचती है वो रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट को फॉरवर्ड कर दी जाती है, ट्रांसफर कर दी जाती है, और आपको उस इंस्टीट्यूट में जाकर के स्ट्रे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट करना होता है, तब जाकर के आपको वो सीट मिलती है। मगर स्ट्रे वैकेंसी राउंड में कोई भी न्यू रजिस्ट्रेशन अलाउड नहीं होते हैं। न्यू रजिस्ट्रेशन सिर्फ राउंड वन, राउंड टू और मॉपअप राउंड में ही अलाउड होते हैं। स्ट्रे वैकेंसी राउंड में कोई न्यू रजिस्ट्रेशन अलाउड नहीं होते हैं। राउंड थ्री तक जितने रजिस्ट्रेशन हुए उन्हीं रजिस्ट्रेशन में से अगर आपको स्ट्रे वैकेंसी राउंड, उसमें से अगर आप हो तो आप स्ट्रे वैकेंसी राउंड अगर अटेंड करना चाहते हो तो आप जाके इंस्टीट्यूट लेवल पे वो काउंसलिंग अटेंड कर सकते हो। अब इस बीच आपको कहीं पे भी सीट मिलती है तो सीट मिलने के बाद आपको क्या करना होता है, जिस कॉलेज में आपको सीट मिली उस कॉलेज में जाना होता है और एडमिशन फॉर्मेलिटीज को कंप्लीट करने होते हैं। तो जब हम एडमिशन फॉर्मेलिटीज को कंप्लीट करते हैं तो उस टाइम में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो चीजें मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले एडमिट कार्ड ऑफ नीट पीजी 2020। एडमिट कार्ड ऑफ नीट पीजी 2020 मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। ये एडमिट कार्ड जो है नीट पीजी 2020 का, वो आपकी इतनी जरूरत वाली चीज है कि इसी एडमिट कार्ड की जरूरत आपको काउंसलिंग के दौरान भी पड़ेगा। काउंसलिंग के दौरान सबसे पहला स्टेप आप क्या करते थे कि रजिस्ट्रेशन करते थे। रजिस्ट्रेशन करने के दौरान जितनी भी चीजें हैं वो सारी चीजें आपको एडमिट कार्ड पे मिलती है, सिर्फ आपका मोबाइल नंबर और दूसरा आपका ईमेल आईडी छोड़कर। तो वो सारी चीजें आपको काउंसलिंग पे भी मिलती, काउंसलिंग के टाइम में उनकी जरूरत पड़ती है रजिस्ट्रेशन करने के दौरान। और इसी एडमिट कार्ड को आपको लेकर के ज्वाइनिंग के टाइम भी जाना है। तो एक आपको एडमिट कार्ड लेकर के जाना है, दूसरी आपको MBBS या BDS की जो मार्कशीट्स है, वो मार्कशीट्स जो प्रोफेशनल एग्जामिनेशंस की मार्कशीट्स है वो मार्कशीट्स लेकर के जाना है। MBBS BDS की जो डिग्री सर्टिफिकेट है वो सर्टिफिकेट लेकर के जाना है, प्रोविजनल हो प्रोविजनल भी चलेगा। रिजल्ट जो आपका 31st ऑफ जनवरी 2020 को रिजल्ट आने वाला है, उस
रिजल्ट को, रैंक कार्ड को आपको लेकर के जाना है, इंटर्नशिप जो आपने की है वो इंटर्नशिप रोटेटरी सर्टिफिकेट आपको लेकर के जाना है एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग, फिर एमसीआई डीसीआई के द्वारा जो आपको आपके प्रोविजनल या परमानेंट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलती है वो उस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को आपको लेकर के जाना है, एक डेट ऑफ बर्थ प्रूफ लेकर के जाना है, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ में आपकी हाई स्कूल सर्टिफिकेट हो सकती है, एक आईडी प्रूफ आपको लेकर के जाना है, आईडी प्रूफ में आपकी वोटर आईडी हो सकती है, आधार कार्ड हो सकता है, पासपोर्ट हो सकता है, या फिर आपका डीएल ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, तो ये चीजें आपको लेकर के जानी है। और यदि आप किसी कास्ट से बिलोंग करते हो, फॉर एग्जांपल एससी एसटी ओबीसी या फिर किसी कास्ट से बिलोंग करते हो, तो उस कास्ट की सर्टिफिकेट की अगर जरूरत है तो वो आपको लेकर के जाना है। अगर जरूरत मैंने इसलिए बोला कि फॉर एग्जाम्पल आपको सीट मिलती है डीम्ड यूनिवर्सिटी में, तो डीम्ड यूनिवर्सिटी में कास्ट से कोई मतलब नहीं होता, उसमें आपको कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ती है। मगर आपको अगर ऑल इंडिया कोटा की 50% सीटों पे मिलती है सीटें, अगर उसमें से आपको कोई सीट मिलती है और वहां पे आपको कास्ट कैटेगरी के बेसिस पे वो सीट मिली है, तो आपको वो कैटेगरी सर्टिफिकेट जो है वो आपको शो करना पड़ सकता है। तो इसलिए इन चीजों को आपको लेकर के जाना जरूरी है, इन बातों को भी ध्यान रखें। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ मैं गुलशन जहां हाजिर होऊंगा। अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चंस हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं या फिर आप दिए गए नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। अगर आपको काउंसलिंग को लेकर के स्ट्रेटजीज बनाने में कुछ भी दिक्कत आए, कोई भी मदद चाहिए, तो आप करियर मीडिया की सर्विसेज अवेल कर सकते हैं, उसके लिए आपको दिए गए नंबर पे कॉल करना होगा। थैंक यू सो मच।